नमस्कार, मैं आपके साथ सोनू रंगा मौजूद है पुरानी अनाज मंडी के अंदर और आप देख सकते हो हमारे फीडबैक की तरफ से पूरे जोशों के साथ तैयारियां हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर रैली होने वाली है और इसमें कौन मुख्य चेहरे रहेंगे और कौन कौन आने वाला है और क्या कुछ इनके एजेंडे रहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं रघुवीर भारद्वाज जी। हम सीधा बात करते हैं पुणे से। जी सर नमस्कार। सर कल 18 तारीख है, रैली कर रहे हो आप अनाज मंडी के अंदर, कौन मुख्य अतिथि, किसका बड़ा चेहरा आने वाला है? देखिए कल 12 रविवार अनाज मंडी पुरानी जींद के अंदर बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, बदलाव रैली, और इसके अंदर मुख्य अतिथि कर्नाटक के प्रभारी राज्यसभा सांसद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पहुंच रहे हैं। उनके साथ हमारी बहन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और नव निर्वाचित लोकसभा सिरसा से सांसद और छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा जी पहुंच रही हैं और साथ में कार्यकारी प्रधान हरियाणा प्रदेश के और पूर्व एमएलए और एमएलए भी शिरकत करेंगे और भारी जनसलाब उमड़ेगा। और कल आप आकर के देखना, रैली बहुत अच्छी होगी और आपके माध्यम से मेरी अपील है हमारी हल्का जींद की जनता से अधिक संख्या में पहुंच करके अपने जींद के विकास के लिए और अपने भविष्य के लिए इस बदलाव रैली के अंदर पहुंच करके इस मौजूदा सरकार को बदलने का काम करें। जी आप लगातार लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं सर, कितना स्नेह और कितना प्यार मिल रहे हैं आपको लोगों को? देखिए मैं पिछले लंबे समय से शहर और ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जा करके इसका न्योता देने के लिए गया और बहुत सारे लोग बहुत संख्या में इसमें पहुंचने का मेरे को आश्वासन दिलाया और बहुत भारी ये रैली होगी। जो आप ये रैली करवा रहे हो, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ झंडे रहेंगे? देखिए मुद्दे तो इसमें बहुत से हैं, देश और प्रदेश के मुद्दे भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जींद के विकास के लिए मुद्दा रहेगा, जींद के पिछड़ेपन का और जींद के अंदर जिस प्रकार से हमारी पीने के पानी की समस्या है और स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है और सड़कें बिजली और हमारी दूसरी जो पोर्टल वगैरह की समस्या है लोगों की आईडियों की, उन सब के बारे में मुख्य मुद्दे रहेंगे और सरकार आने पर उनसे निजात दिलाने की का आश्वासन दिलाया जाएगा। आपने कहा है कि जो जींद के अंदर विकास को लेके पूरी समस्या है, विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आने वाली कल की जो रैली है उसके अंदर ये मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे मुद्दे काफी बार उठे हैं, रखे गए हैं, लेकिन वे मुद्दे अपने बातों पर खरा नहीं उतर पाए, क्या ऐसा तो नहीं कि ये रैली भी ऐसी रह जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो हमारे मुद्दे यहाँ से हमारे शीर्ष नेता उठाएंगे और जिनका आश्वासन देंगे वो हम पूरा करने का काम करेंगे। सर आपकी कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की लिस्ट काफी लंबी लगी हुई है, तो इसमें रघुवीर भारद्वाज जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए अच्छी बात है, लिस्टें तो लंबी होनी चाहिए, ज्यादा अधिक पर बड़ा परिवार होगा तो उसको अच्छा आसानी होगी और प्रचार प्रसार अच्छा होगा, उस लिस्ट में हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा उसके साथ लग करके हम इकट्ठा काम करेंगे। जींद के विकास के बारे में आपने मुद्दे उठाए हैं, अगर जींद की जनता आपको चुनती है तो रघुवीर भारद्वाज जी पहली कलम से ऐसा कौन सा काम करेंगे? देखिए पहली कलम से हम यहाँ उद्योग धंधा लाने का काम करेंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को रोजगार मिल सके और पीने का पानी जींद के अंदर अच्छा हो, बाखड़ा का पानी यहाँ आए और इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा का काम काम करने का काम करेंगे। अंत में हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कल होने वाली इस बदलाव रैली के अंदर जींद पुरानी अनाज मंडी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपने नेताओं का और मेरा हौसला बढ़ाएं और अपना अपने भाई को और कामयाब करने का काम करें। जी धन्यवाद।